हेलो फ्रेंड्स स्टार सन ट्रैवल में आपका हार्दिक स्वागत है इस चैनल में हम आपको देते हैं ट्रैवल से जुड़ी देश और दुनिया की खबरें आज हम आपको बताएंगे सर्बिया से आ रही एक महत्वपूर्ण खबर के बारे में तो फ्रेंड्स जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ नई नई देश और दुनिया की ट्रैवल से जुड़ी खबरों और जानकारी के लिए और हमारे इस चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें भारतीय अब इस देश में बिना वीजा के यात्रा नहीं कर सकेंगे पहले भारतीय एयरपोर्ट धारक बिना वीजा के देश में प्रवेश कर सकते थे और 30 दिनों तक रह सकते थे सर्बिया सरकार ने भारतीयों के लिए वीजा मुक्त यात्रा समाप्त करने का निर्णय लिया है एक जनवरी 2023 से भारतीय पासपोर्ट धारक अब बिना वीजा के सर्बिया में प्रवेश नहीं कर सकेंगे नवीनतम निर्णय यूरोपीय संघ वीज़ा नीति की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मध्य यूरोपीय राष्ट्र द्वारा लिया गया है सरकार ने जारी एक बयान में कहा कि सर्बिया में 30 दिनों तक रहने के लिए सभी भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए सर्बिया में वीजा मुक्त प्रवेश के मौजूदा व्यवस्था को वापस ले लिया गया है पहले भारतीय पासपोर्ट धारक बिना वीज़ा के देश में प्रवेश कर सकते थे भारतीय एक वर्ष में तीस दिनों की अवधि के लिए वीजा मुक्त रह सकते थे लेकिन नए साल में यह सुविधा वापस ले ली जाएगी सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में भारतीय दूतावास ने भारतीयों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है दूतावास ने सामान्य भारतीय पासपोर्ट धारकों को एक जनवरी के बाद देश की यात्रा करने से पहले बेलग्रेड में सर्बियाई दूतावास से वीजा प्राप्त करने के लिए कहा है भारतीय जो वर्तमान में वैध यूके यूएस या शेंगेन वीजा रखते हैं, वे अभी भी 90 दिनों की अवधि के लिए सर्बिया वीजा मुक्त प्रवेश करने में सक्षम होंगे सर्बिया ने भारतीयों के अलावा गिनी और बुरुंडी के नागरिकों को वीजा मुक्त यात्रा सुविधा समाप्त कर दी है हालांकि इन देशों के लिए ये सुविधा 20 नवंबर से वापस ले ली गई है तो फ्रेंड्स जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ नई नई देश और दुनिया की ट्रैवल से जुड़ी खबरों और जानकारी के लिए और हमारे इस चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें